मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 36 लोग घायल हो गए। बता दें कि सीएसटी रेलवे स्टेशन जाना माना स्टेशन है। ये ब्रिज आजाद मैदान को सीएसटी रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। चश्मदीद के मुताबिक जब ब्रिज गिरा था तो वहाँ पर कई लोग मौजूद थे। इसके अलावा कई गाड़ियाँ भी ब्रिज के नीचे मौजूद थी। देखिए जो हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं मानता हूँ कि यदि सरकार आम मुंबई करों को एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे कि आम मुंबई कर को ऐसे हादसा का सामना नहीं करना पड़ेगा भविष्य में, तो सरकार को तुरंत कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को उन लापरवाही ऑफिसर्स, उन लापरवाही ऑडिटर्स के खिलाफ तुरंत आईपीसी सेक्शन 302 विच अमाउंट्स टू मर्डर, उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करना चाहिए। दैट इज द ओनली वे वेयर मुंबईकर्स विल फील सेफ, विल फील अश्योर्ड एंड विल फील द गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट गिविंग देम स्टेटमेंट्स एंड एम्प्टी भाषण्स विदाउट एनी एक्शन। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है और कई लोग घायल है। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। विशेष रूप से जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी उस समय सारे फुटओवर ब्रिज, चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो, इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे, उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा। और जो माइनर रिपेयर्स कहे गए थे वो कहाँ तक किए गए इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे। इसमें जिन परिवारों को क्षति भुगतनी पड़ी है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 5 लाख रुपया मदद दी जाएगी, जो जख्मी है उनको 50,000 रुपया मदद दी जाएगी और साथ साथ उनका जो मेडिकल का सारा खर्चा है वो भी सरकार की ओर से दिया जाएगा।